एग्जाम अब तो बहुत ही पास है, कंसिडरिंग 15 to 31 मई सिर्फ 10 दिन ही रह गए. सो वॉच दिस वीडियो इफ ए यू आर वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग एडमिशन इन टू सम गुड कॉलेज इन 2024 दिस ईयर ओनली, एंड बी इफ यू डोंट वॉन्ट टू रूविन दिस अटेम्प्ट ऑफ योर सीबीटी का एग्जाम. अब सब लोग ना इस टाइम पे डिफरेंट लेवल्स पे होंगे अपनी प्रिपरेशन के. कुछ बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी पूरी तैयारी करके बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्ट्रिक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ अपने रिविजन वाले फेज में चल रहे हैं कि हम तो अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ अटेम्प्ट देने के लिए सीबीटी देंगे इस बारी एंड उन्होंने कुछ तैयारी नहीं किया. अगर आप इनमें से किसी भी लेवल पे हो तो आखिरी 10 दिनों में यानी कि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में प्लस एग्जाम के जो वो डेज है उनमें एंड एग्जाम वाले दिन उन 1 से 2 घंटों में आपको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल. माय नेम इज आयुषी. आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिड माय बैचलर्स फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस DU एंड मास्टर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस DU. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्स्ट स्टेप इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स होंगे जो एक ना एक लैंग्वेज तो दे ही रहे होंगे. अब लैंग्वेज का एग्जाम जब होगा पेपर में जो क्वेश्चंस का ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि इजी है, जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, टाइम कम लगेगा. जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, वो क्या तरीके हो गया, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे क्वेश्चन हो गए, एंड बाद में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमारे पैसेजेस की तरफ जाएंगे. क्योंकि इंग्लिश का वैसे भी जो पेपर है इट इज नॉट अबाउट लर्निंग या फिर कुछ नया सीखना या फिर कुछ भी, हमें कोई तैयारी की जरूरत है नहीं. सब कुछ डिपेंड करता है कि उस टाइम पे, उस जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो ना लैंग्वेज के पेपर को, उस टाइम पे क्या आपका मेंटल स्टेट है, आप किस चीज से सोच रहे हो ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ. एंड उस टाइम पे बात आती है कॉन्फिडेंस की. अगर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन है ना जल्दी जल्दी खत्म कर दिए, क्वेश्चन हो रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा एंड आगे आप बहुत ही काम माइंड से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे. इसलिए रीडिंग पैसेजेस बाद में सॉल्व करना. जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जो भी पैसेजेस होते हैं उसको सॉल्व करने में भी एक ट्रिक होती है. आपको पहले ये नहीं कि पहले पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, एक बार क्वेश्चंस रीड कर लिए उसके बाद पैसेज पढ़ो, और पैसेज को इस तरीके से पढ़ो ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना कि आपके माइंड में चलना चाहिए. इस तरीके से जल्दी सॉल्व होगा एंड आपका पेशेंस भी बना रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा. सेकेंड टिप जनरली सारे स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली जो कि थोड़े मैथमेटिकल या फिर सॉल्विंग वाले पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये टिप है कि पेपर में आपको रफ शीट्स लेना यानी कि प्लेन वाइट पेपर लेना अलाउड होता है. जितनी मर्जी शीट्स आप ले सकते हो, एंड ये सजेस्टेड है कि पेपर शुरू होने से पहले ही, बीट आप पीपीटी मोड में हो रहा हो या फिर आपका पेपर ओएमआर शीट्स पे हो, आपको रफ शीट जरूर लेनी है. स्टार्टिंग में लेके रख लो, बहुत हेल्प करेगी. सपोज आपका कोई भी मैथ्स का पेपर है या फिर कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल वाला पेपर है, इन दैट केस तो हेल्प करेगी ही करेगी वो शीट्स. अगर जनरल टेस्ट भी दे रहे हो लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बलिटी कह रही हूँ, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में, ये शीट्स आपको हेल्प करेंगी. बाद में मांगने से बेटर है पहले ही ले लेना. ये थर्ड चीज़ है जो आपको पेपर करते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो ये है कि नॉट कीवर्ड का ध्यान रखना. एग्जाम्पल देती हूँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट. नॉट अगर आपने मिस कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अब ये नॉट कीवर्ड आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑप्शंस में भी आ सकता है, तो दोनों जगह पे आपको ध्यान देना होगा कि मेरा क्वेश्चन ये नेगेटिव वे में तो नहीं पूछा जा रहा है. क्योंकि अगर नॉट पूछा है तो आपको वो सारे करेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इनकरेक्ट वाले ऑप्शन को ही टिक करना होता है. तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे ये हेल्पफुल होगा. लेकिन अगर पहले से माइंड में रख के चलोगे ना तो और जल्दी आप स्पॉट कर पाओगे उस कीवर्ड को. फोर्थ टिप है प्रेपरेशन से रिलेटेड. क्योंकि लास्ट के बस 10 ही दिन बचे हैं, इस टाइम पे ना कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत करो, कुछ भी नया सीखने का ट्राई मत करो, सीरियसली बता रही हूँ. इस टाइम पे फोकस करो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने के लिए. जो लोगों ने पढ़ाई नहीं की है उन लोगों के लिए भी बताने वाली हूँ कि क्या करना है, बट फोकस रहना चाहिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से करेंगे एनसीईआरटी से. प्लस जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें रख के चली हैं, बस उनको रिवाइज करना है. इसके बाद हमें मिनिमम पांच टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करके देख लेना है. क्योंकि पेपर किस तरीके से आने वाला है, पेपर का क्या फॉर्मेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले जानना. एंड जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो पीवाई की उस पर फोकस करो, उनको बैठ के अच्छे से पढ़ लो. एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस यूट्यूब पे देख लो, काफी लोगों ने डाली हुई है, उससे आपकी मदद हो जाएगी. द फिफ्थ टिप इज दैट डू नॉट ओवर अटेम्प्ट. मैं अपना एग्जांपल देके ही समझाती हूँ. तो मैं गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के MSc मैथ्स के एंट्रेंस के लिए. मैं माइंड में सोच के गई थी कि मुझे 25 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बट 20 क्वेश्चंस के बाद मुझे आई नहीं रहा था सॉल्व करना. इन दैट केस हुआ ये कि मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, मतलब कुछ भी तुक्के मार दिए रैंडमली सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए. बट ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है. एक क्वेश्चन गलत करोगे -1 उधर ही हो जाएगा. एंड एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर से ना रैंक बहुत पीछे पीछे चली जाती है.
अभी नहीं बच सकता, बट जब एडमिशन्स होने वाले होते हैं या तो अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिलता या फिर हो सकता है कॉलेज मिले ही ना, तो क्यों रिस्क लेना है? सब कुछ मार्क्स के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में तो है ही नहीं ना. सो स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चंस आराम से हो रहे हैं आप श्योर आंसर्स के बारे में उनको कर लो. एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो बैठो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो अभी तक नहीं हुआ है. उसमें भी रैंडम गेसिंग नहीं करनी है. दो चीजें कर सकते हो. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करो. इसमें क्या है, चार ऑप्शंस है, मुझे ये पक्का बताया कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, उनको एलिमिनेट कर दूं, या फिर तीन है जो हो ही नहीं सकते तो अपने आप चौथा मिल जाएगा. नहीं तो जो बाकी दो बच्चे हैं ना एंड में उनको भी कुछ दिमाग लगा के सॉल्व करना है. या तो क्या करना है, अगर मैथ्स का क्वेश्चन है इन दैट केस सॉल्व करने का ट्राई करो उस क्वेश्चन को, जो भी नियरेस्ट आंसर आ रहा हो उस पे यू कैन गो फॉर इट. नहीं तो अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कीवर्ड्स का जो मेथड होता है ना उससे जाओ कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ रिलेटेड पढ़ा हुआ है या नहीं, उसके बेसिस पे यू कैन गो. बट रैंडम गेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी एंड में आपकी ही रैंक खराब होगी. द सिक्स्थ एंड द फाइनल टिप इज कि आपके टारगेट कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट होने वाले हैं आपकी कट ऑफ में या फिर आपका स्कोर निकालने में, उन सब्जेक्ट्स पे अभी फोकस करो. सपोज सिर्फ एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है वही मैंडेटरी है एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर बाकी डोमेन्स में क्यों इतना टाइम देना है. ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को बेटर करने के लिए. सेम इज एप्लीकेबल फॉर अदर कोर्सेज एंड अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. आई नो इस टाइम पे आप में से कई सारे लोग स्ट्रेस्ड होंगे, टेंस्ड होंगे और डर लग रहा होगा सीबीटी के रिगार्डिंग कि कैसा होगा एग्जाम, मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको डर लग रहा है दैट मीन्स कि आप सही जा रहे हो, क्योंकि डर उन्हीं को लगता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो कि एक्चुअली सीरियस होते हैं उसको क्लियर करने के लिए. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट क्लियरिंग सीबीटी दिस ईयर, गेटिंग एडमिशन इन अ गुड कॉलेज इन 2024 एंड सेटिंग अप योर फर्स्ट ईयर की कॉलेज लाइफ, इन दैट केस प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियो, क्योंकि आगे की सारी वीडियोस इसी चीज पे प्लान है. और हाँ, ओनली इफ यू लर्न समथिंग न्यू इस वीडियो से देन प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी. जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज्यादा मोटिवेशन आ जाती है टू क्रिएट सिमिलर वीडियोस. हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो या फिर मुझसे बात करनी हो, इन दैट केस यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल, और यू कैन गेट ऑन अ वन ऑन वन मेंटरशिप कॉल विद मी, जिसके लिए फॉर्म भरना होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. I'll see you in my next video. Till then, keep watching the others and bye-bye.